गुड मॉर्निंग सुप्रभात सबको, आप सबको। और दोस्तों, दूसरा पार्ट है ये इस ब्लॉग का और आज है सेकंड डे। और आपको रूम नहीं दिखाया शायद मैंने, रूम ये रहा, रूम एसी वाला रूम लिया है, बड़ा मज़ा आ गया। लेकिन फ़ायदा क्या है, रात में इन्होंने एसी चलाया नहीं और एसी चलाया नहीं, ऐसे सो गए। अब सब सुबह हुई ना, इतनी गंदी वाली उमस हो रही थी ना कमरे में, पसीना आ रहा था। फिर जाके इन्होंने सुबह सुबह एसी चलाया और अभी भी एसी चल रहा है अपने। तो ये है, अभी को आदत है नहीं ना दोस्तों एसी में रहने की, तो क्या कर सकते हैं। और बिस्तर के हाल तो मैं आपको बता नहीं सकता, तो ऐसा हो रहा है वो बिस्तर हम ऐसे कर रहे थे, कंपनी नहीं थे ओढ़ने के लिए, तो चादर ओढ़नी पड़ी हमें। और फिर अब मैं लेके जाता हूँ, आज देखते कहाँ कहाँ जाते हैं हम। एक हम प्रेम मंदिर जाएंगे, और हमने इस्कॉन तो घूम ही लिया है, कल वाले ब्लॉग में आपने देख लिया है। और देखते हैं अभी क्या क्या है यहाँ, लिस्ट तो मैंने बहुत लंबी बनाई है, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो चलो ठीक है, चलता हूँ आपको, बाय। आ चुके हैं प्रेम मंदिर दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम करते हैं प्रेम मंदिर का भ्रमण और दिखाते हैं आपको प्रेम मंदिर अंदर से कैसा है, अगर अलाउ करेंगे फ़ोटो खींचने के लिए। तो वैसे काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी, मंदिर खुले भी नहीं है और प्रकाश भाई मेकअप कर चुके हैं, लग चुका है टीका। अब निकलते हैं, हम भी खड़े होते हैं नहीं तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। लेडीज़ की लाइन है, पता नहीं खड़ा कहाँ पर होना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अंदर तो आ चुके हैं, कुछ इस तरह से है, यहाँ पे चेकिंग हो रही है और प्रकाश भाई सुरक्षा बैरियर क्रॉस करते हुए, और उसके बाद चलते हैं हम आगे को। ये सामने आपको चित्रकलाएं देखने को मिलेंगी और ये है प्रेम मंदिर, आपको स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा प्रेम मंदिर। दोस्तों यही है वो प्रेम मंदिर, और ये है सुंदर सी वाटिका, कितनी प्यारी वाटिका है आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी वाटिका। और यही मंदिर अभी तक मेरे को सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि एक तो ये ओपनली है और बाकी जो मंदिर थे सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरामैन के साथ, जो ये है वाटिकाएं हैं, आप देख सकते हैं सामने, देखोगे आप। चलो अब आगे चलते हैं। इसे बड़ो अच्छी आई है, गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, और प्रकाश भाई को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से वापस आने। अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा दोस्तों मैं नहीं आऊँगा, मुझे कॉन्टेक्ट करना हो तो यहाँ आना, मैं फ़ोन भी इसको दे रहा हूँ बंटी को, और ये फ़ोन दे देगा वहाँ पे घर पे, तो मेरा तो मन कर नहीं रहा है यहाँ से आने का। भाई जो तेरी हल्द्वानी में जमीन है वो मेरा जितना है सब कुछ रख लो, मैंने सब दान, कुछ नहीं है दुनिया में, सब मोह माया है। ए बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। भाई और बहनों, मैं तेरी देहरादून में वो प्लॉट सब सब दो, सब बेच दिया मैंने, सब बंटी के नाम। ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो ऑन लाइव ऑन कैमरा इन्होंने बोल दिया है सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तो अब इनका कोई हक नहीं है उत्तराखंड में। तो 2000 years later ये बजरंग बना, मैं पागल हूं ये मथुरावासी हो चुके हैं भाई, मैं वहां रहूंगा
मेरे जगह देख कहाँ रहना है मेरे को। आप अच्छा इसके लिए जगह मिल गया है उपहार ग्रह में, तो भेजते हैं इनको उपहार ग्रह में, दिखाता हूँ आपको। उपहार ग्रह दिख रहा होगा वहाँ इनको रखेंगे हम। सुन तो बोल ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ। ना ना बोल ना, मैं यहीं रहूँगा। बोल ना बोल, क्या बोलना है, क्या बोलना है। एक्चुअली ये दुनिया 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 और मोहमाया की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लड़की नहीं मिल रही जिंदगी में। अबे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही ना, इसलिए बोल रहा तू। राधे राधे राधे, सब मोहमाया, राधे राधे। सुन, काफी अच्छे कैक्टस का मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ। ये रहा जिसको हम क्या बोलते हैं, सुरई का पेड़ भी बोलते हैं अपने इधर। तो इधर इधर भी दिखा देता हूँ मैं आपको बगान। वाह, सिक्के डाले हुए हैं। उल्लू दिख रहे होंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ खींचने के बाद, धूप में पकने के बाद, अब प्रकाश भाई हमें ले जाना चाहते हैं बल्कि खाने के लिए उपहार गृह में। तो हम चलते हैं, चलो प्रकाश भाई क्या खिलाते हैं आज देखते हैं। हाँ, खुशबू तो खतरनाक आ रही भाई। कुछ है? बहुत कुछ है कम। अरे यहाँ तो बहुत कुछ है भाई, बट यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। सेल्फ सर्विस में खुद ही लेके जाना पड़ेगा। है खाने में क्या क्या है? इडली सांभर, मसाला डोसा। अच्छा, छोले समोसे, घी कुलचा। ओके, चाट पापड़े। भाई पानी देता है, कृपालु। अब चलते दोस्तों गोवर्धन पर्वत लेके चलते हैं आपको, जो कि शिव जी ने अपनी क्या बोला तूने? सॉरी। तो ये था वो पर्वत, अब था नहीं, मतलब ये तो डिजाइन बनाया गया है, लेकिन इस टाइप का था वो कुछ पर्वत। दिखाते हैं आपको, ऊपर से देखिए पानी आ रहा है। और जो कान्हा जी हैं, कृष्णा जी, वो सामने आपको दिख रहे होंगे। सो है गाइस, दिस इज अ प्रेम मंदिर, और प्रकाश भाई काफी फोटो शूट करवा चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, और काफी लोगों की भीड़ है, काफी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पे उभरे हुए हैं। और तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे राम कुटिया भी है, और ये देखिए, ये तो आपने देखा ही नहीं है, ये भी दिखा देता हूँ आपको, कितना प्यारा लग रहा है। तो भगवान श्री राम शिव जी की आराधना करते हुए, और ये वानर सेना नदी में राम नाम का पत्थर फेंकते हुए। ये देखिए राजा दशरथ के कई सुमित्र कौशल्या। तो ये था प्रेम नगर, प्रेम मंदिर का दर्शन। तो इस तरह से एक्सप्लोर किया है मैंने आप लोगों को, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये सामने वाटिका भी है जहाँ पे श्री कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी आगे जाएंगे तो और भी दिखाते हैं। आगे एक वैष्णो धाम भी है, माँ वैष्णो धाम, तो वहाँ भी जाएंगे, और टाइम मिलेगा तो गोवर्धन पर्वत भी जाएंगे अगर टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से, 40-45 किलोमीटर आगे किसी ने बताया है, तो वहाँ जाएंगे, जा सकते हैं। तो आप वीडियो देखते रहे और बने रहे वीडियो के साथ। हम माँ वैष्णो धाम में, और ये रही सामने माँ वैष्णो धाम, वैष्णो माँ की मूर्ति, माँ शेरावाली की मूर्ति। और यहाँ पे हमने देने हैं थोड़ा जूते, और प्रकाश भाई जूते दे रहे हैं, हम भी देते हैं, अब फिर दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। यहाँ पे इंक्वायरी है, पूछताछ, आप पीने का पानी भी है यहाँ पे, और
सबसे पहले क्या है कि आपको जब आओगे अंदर तो आपको यहाँ से टिकट घर से जिनके पास बैग होगा तो उनको एक टिकट लेनी पड़ेगी, अपना एड्रेस बताना होगा, फिर जाके सामने लॉकर रूम है वहाँ बैग जमा कराने पड़ेंगे, फिर वहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेके एंट्री कर सकते हो। सो हे गाइस, अब एंट्री करते हैं गुफाओं में, सॉरी गुफाएं तो नहीं है लेकिन रास्ते में। तो यहाँ से कुछ स्टेयर्स सीढ़ियाँ हैं और धीरे धीरे चढ़ते हुए माँ, कहाँ है शेरावली माता की मूर्ति, ये रही दोस्तों आपके सामने, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये रहा वो स्टैचू माँ शेरावाली, माँ शेरावाली ये तेरा बेटा आ गया अपने खून से नहलाने, तेरा बेटा आ गया। तो देखिए दोस्तों, लोग काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी खुश भी हैं, और भक्तजन सामने हनुमान जी। तो प्रकाश की फ़ोटो लेता हूँ यहाँ पे, तब तक मैं ब्लॉक करता हूँ, पॉज। तो दोस्तों यहाँ पे हल्का सा एक वाटरफॉल बनाया गया है, काफ़ी प्यारा है, और आप देख सकते हैं भक्तजनों की तो भीड़ उमड़ आई है यहाँ, कितना प्यारा लग रहा है, कछुए के मुंह से पानी आ रहा है, मटके से पानी आ रहा है ना। और यमुना जी कृपया सिक्के और फूलों यमुना जी में ना डालें, तो माँ यमुना जी का ये बनाया गया है एक धाम, और ये माँ शेरावाली का, और ये देखते हैं कि किस माँ का है। तो ये माँ गंगा जी का धाम बनाया गया है दोस्तों, और गुफाओं का मैंने कहा था आपको, गुफाओं का एक विशेष यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इतनी धूप इतनी गर्मी में भी लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी इस यात्रा को। देखिए माँ गंगा, और अंदर आई थिंक अंदर जाऊँ तो क्या पता मुझे देखने को ना मिले क्या, मैं फ़ोटो शायद खींचना अंदर अलाउड नहीं होगा, तो लेकिन हम यहीं से आपको दिखा देते हैं। ये है माँ वैष्णो देवी की मूर्ति, और अंदर जाएंगे अब इसके अंदर, असली माँ वैष्णो का धाम आपको पता ही होगा जम्मू में है, और ये उनका एक स्वरूप है जो यहाँ मथुरा में बनाया गया है वृंदावन में। तो अब इसके बाद अंदर चलते हैं प्रकाश भाई, चलो। जो यहाँ की एक रूम बनाया गया है जहाँ आपको दिखाया गया है कि माँ जो वैष्णो देवी की जो मूर्ति का जो निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, और उसका क्या स्ट्रक्चर था, क्या कैसे कैसे बनाया गया, क्या क्या यूज़ किया गया, सब चीज़ की यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ की यहाँ पे फोटोज़ है। ये 2007 5 अप्रैल 2007 में इसका निर्माण हुआ था, जब इतना सा बन गया था ये, फिर ये शेर बनना 1 सितंबर में भी ये तैयार नहीं हुआ था, मुँह लगा था उसके बाद। देखिए देख सकते हैं आप कितनी हैवी हैवी प्लेटों का, आयरन का यूज़ किया गया है, और कैसे कैसे वर्करों ने निर्माण किया है आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हाथ का आप निर्माण देख सकते हैं, कैसे हाथ बनाया गया है, पैर हो गए, और ये मुकुट हो गया ऊपर का, और धीरे 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 आके यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके ख़त्म होता है। ये फुल शटरिंग व्यू ऑफ माँ वैष्णो देवी है, 7 अगस्त 2009 में ये होते होते यहाँ पे पेंटिंग होना स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे 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 जाके यहाँ पे जाके मूर्ति कंप्लीट होती है दोस्तों। इस यहाँ पे भी हल्का सा था, तो नाइट व्यू है माँ वैष्णो देवी का लाइट से, तो अक्टूबर के महीने में ये जाके इस तरह से बनाया गया है। और ये जो था ये डिफरेंट स्टेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ गुफा, गुफा का कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया गया उसका दिखाया गया है अंदर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन माँ वैष्णो देवी मंदिर ये है, तो ये मैं तो ये दिखाना तो भूल ही गया था आपको, ये भी तो मेन चीज़ है यहाँ पे, माँ वैष्णो देवी की छोटी सी मूर्ति। चलते हैं आगे छोटी सी बच्ची को लेके। तो दोस्तों कितना खूबसूरत बनाया गया है, कितना खूबसूरत सजाया गया है, कितना खूबसूरत, उम्मीद से भी बेहतर, बहुत ही प्यारा। यहाँ से हमने एंट्री करी है, और ये भी माँ वैष्णो देवी के अंदर आप देखेंगे दर्शन मार्ग है, ये बना रखा है परिक्रमा, आप पूरे राउंड मार सकते हैं, हर चीज़ की आपको दिखाया गया है।
और बहुत अच्छा वातावरण, बहुत ही प्यारा वातावरण, गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, लगने की तो दूर की बात है। और एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, आप दोस्तों आप देखोगे एग्जॉस्ट लगे हुए हैं सामने, सारे एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, फैन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं फैन, कितने फैन चल रहे हैं। तो ये माँ वैष्णो देवी की सबसे प्यारी मूर्ति है। वाओ, बहुत ही प्यारी है। प्रकाश भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? वापस नहीं जाओगे? प्रकाश भाई कह रहे हैं यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ऊपर देखो दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं श्री कृष्ण की तो हर तरफ महिमा, हर भगवान की है। तो आप देख लो कितने प्यारे नजारे हैं, इनको कौन नहीं जानता, जो जानता है कमेंट करें। माँ सरस्वती इनको भी कौन नहीं जानता। ये देखिए कृष्ण जी की तो लीला ही अपरंपार है, और ये हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो संजीवन बूटी ले आए थे उनके लिए। इनको जो जानता है वाल्मीकि जी ज़रूर लिखें। बहुत ही प्यारे प्यारे आर्ट गैलरी इसको बोलते हैं, हर जगह आपको दिखेगा एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, यहाँ से गर्मी बाहर निकालने के लिए। ऐसे में दिखाने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा है। देर से तो आ चुके थे, अब यहाँ पे है गुफा आकार रास्ता तो लिखा हुआ है, चलते हैं गुफा के अंदर। यहाँ से एग्जिट होते हैं, एंट्री इधर से होगी, तो चलते हैं इधर से अंदर। वहाँ पे आरओ लगा हुआ तो पानी भरेंगे अभी। कर दिया और फाइनली एंड करता हूँ मैं गुफा को। गाइस मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप वृंदावन आओ, मथुरा आओ, तो वहाँ वैष्णो धाम जरूर आना, जरूर आना, यहाँ विजिट करना, बहुत बढ़िया है। जय माता दी, 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 ओम जय माता दी। सो दोस्तों बहुत थकने के बाद प्रकाश भाई को लग गई है प्यास, और प्रकाश भाई खा रहे हैं, सॉरी पी रहे हैं
सिकंजी। तो ये प्रकाश भाई सिकंजी ले रहे हैं, हम भी पीते हैं थोड़ा, गर्मी हो गई है, तो लेट्स एंजॉय द ड्रिंक।